असलम एवरी एवरीवन वेलकम टू ग्राम विली वी वन इज़ सुपरफिशियल इट वाज अ रिक्वेस्ट बाय मोहम्मद इजाज एंड मोहम्मद इजाज इज यसन सुपरफिशियल इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट हैज़ फोर मीनिंग्स देखिए इसको मैं इजीली आपको एक मतलब में ही समझा दूंगी आपको सारे समझ आ जाएंगे इसमें परेशान मत होइएगा कि चार मतलब है डिफरेंट इसके डिफरेंट नहीं है मिलते जुलते हैं देखिए सुपरफिशियल के लिए आप एक वर्ड अपने जहन में रख लें उर्दू का सतही ऊपर के लेवल का ठीक है जिसमें डेप्थ ना हो जैसे पहला मतलब है अ पर्सन हु डजन थिंक डीपली ऐसा इंसान जिसकी सोच जो है जिसकी अंडरस्टैंडिंग uh, जो है या जिसका जो नॉलेज है या उसकी जो uh, दुनिया को देखने का अंदाज है वो ऊपर का सतही लेवल का है ऊपर ऊपर का है उसमें कोई डेप्थ नहीं है कोई गहराई नहीं है कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई डीप अवेयरनेस नहीं है किसी किस्म की कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर एक एक डेप्थ होती है वो उस इंसान के अंदर अगर नहीं है तो ऐसे इंसान को आप सुपरफिशियल कहेंगे जैसे कोई इंसान है उसको बस पैसा रुपया स्टेटस इन्हीं चीज़ों में बस उसको इंटरेस्ट है दुनिया में क्या हो रहा है इर्द गिर्द क्या हो रहा है दुनिया की हकीकत क्या है दुनिया किस तरफ जा रही है उसको इन चीज़ों की ना तो अवेयरनेस है ना कोई नॉलेज है और ना ही कोई इंटरेस्ट है तो ऐसे इंसान को आप एक बहुत ही सुपरफिशल इंसान कहेंगे यह ऐसी कोई ख़ातून जो सिर्फ मेकअप कपड़े जूते बैग्स इन्हीं चीज़ों में बस उस उसकी दुनिया यही चीज़ें हैं उसके अलावा इर्द गिर्द क्या हो रहा है किसी किस्म की कोई डेप्थ या कोई गहराई उस इंसान या उस खातून के अंदर नहीं है तो वो ऐसा इंसान सुपरफिशियल इंसान है जिसने अपने अंदर नहीं झांका जिसने किसी चीज़ की का नॉलेज जो है वो डीपली जाकर एक्वायर नहीं किया जिसने दुनिया को समझने को ज़िंदगी को समझने के लिए किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं की है उसके अंदर किसी किस्म की कोई डेप्थ नहीं है तो ऐसे इंसान को आप एक सुपरफिशियल इंसान कहेंगे कि जिसकी सोच जो है वो बड़ी सतई किस्म की है उसमें गहराई नहीं है किसी भी किस्म की तो वो इंसान हो गया सुपरफिशियल इंसान इसी तरह से ये ये समझ लीजिए ये वर्ड में रख सतई ऐसी चीज़ ऐसा ऐसी कोई भी चीज जिसमें गहराई नहीं है ना वो सुपरफिशियल है जैसे आप सेकंड मीनिंग है इसका एक्शन फीलिंग और रिलेशनशिप दैट लैक्स डेप्थ देखिए कोई काम ऐसा हुआ जिसमें जो सिर्फ सतही लेवल पर सिर्फ दिखाने के लिए हुआ दिखावे के लिए हुआ उसमें कोई उस एक्शन को उस काम करने के लिए को गहराई कोई गहराई या कोई डेप्थ या कोई रियल मीनिंग उसके पीछे नहीं है तो वो सुपरफिशियल एक्शन हो गया या जैसे कोई फीलिंग्स है या कोई रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है कि वो रिलेशनशिप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बस है दुनिया के सामने है एक दिखावे के लिए है उसमें कोई उस रिलेशनशिप के पीछे कोई गहराई नहीं है वो ऐसी फीलिंग्स होती ना जो कि दिल से हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन

नहीं है कोई गहराई नहीं है ठीक है तो ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसी फीलिंग कोई फीलिंग कोई, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की तरफ शो कर रहा है तो वो जस्ट जस्ट दिखावे के लिए है वो फीलिंग उसके अपने अंदर से कोई गहराई से कोई दिल से नहीं आ रही है तो वो फीलिंग्स भी सुपरफिशियल फीलिंग्स हैं ठीक है थीके? वो जज्बात का इजहार भी सुपरफिशियल है क्योंकि वो उसमें कोई गहराई या कोई सच्चाई नहीं है वो जस्ट ऊपर के लेवल का है दिखावे के लेवल का है सतही लेवल का है ठीक है इसी तरह से थर्ड इसका जो मीनिंग है नॉट कंप्लीट और थोड़ा देखिए कोई भी चीज़ जिसको के जैसे किसी चीज़ के बारे में जो अवेयरनेस या नॉलेज है वो कंप्लीट ना हो जस्ट थोड़ा ना हो पूरा का पूरा ना हो या उसकी गहराई में ना उतरे जस्ट आपको थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से नो हाउ है तो इसका मतलब कि आपका वो जो नॉलेज या आपकी जो अवेयरनेस है वो सुपरफिशियल है उस खास हाँ सब्जेक्ट को लेके ठीक है या कहीं पर कोई रिसर्च कंडक्ट हुई है वो रिसर्च जो है वो बहुत गहराई में जाकर नहीं कंडक्ट हुई बस ऊपर ऊपर से उस उस रिसर्च को कंडक्ट कर लिया गया तो वो सुपरफिशियल रिसर्च कहलाएगी कि उसकी उसकी गहराई में जाकर उस रिसर्च को नहीं किया गया है ठीक है इसी तरह से जैसे कोई ऑर्गूमेंट कहीं पर हो रहा है तो वो आर्गुमेंट जस्ट ऊपर ऊपर की चीज़ों में हो रहा है उस उस जिस बात पे आर्गुमेंट हो रहा है उसकी गहराई में नहीं जाया जा रहा असल हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की जा रही बस ऊपर ऊपर से जो बातें नजर आ रही हैं जो सामने कुछ चीजें नजर आ रही बस उसी को लेकर वो ऑर्गूमेंट हो रहा है तो जब किसी चीज की गहराई में नहीं घुसा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ सुपरफिशल है जिस सतही लेवल पर उसको किया जा रहा है उसकी डेप्थ पर नहीं जाया जा रहा है ठीक है अब इसका जो चौथा मतलब है अफेक्टिंग ओनली आउटसाइड पार्ट और सरफेस सॉरी अच्छा इसका मतलब ये दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि जैसे किसी चीज में कोई डैमेज हुआ लेकिन वो डैमेज है ना सिर्फ बाहर बाहर से हुआ जैसे कि अब कार पे कोई एक्सीडेंट हुआ खुदा ना ख्वासता अब वो कार पे जो भी बस बाहर बाहर से थोड़े से स्क्रैचेस लग गए कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ कार के अंदर तो आप कहेंगे कि बस इसको इसका जो डैमेज है वो सुपरफिशियल डैमेज है मतलब कि ऊपर से हुआ है जो किसी मतलब थोड़ी सी मरम्मत से वो ठीक हो जाएगा कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ कोई सीरियस किस्म की चीज़ नहीं हर्ट हुई या जैसे किसी इंसान को खुदा ना ख्वासा से इंसान का एक्सीडेंट हुआ और उसको कोई चोटें लगी इंजरी आई तो वो इंजरी ऐसी इंजरी नहीं थी कि जो जिसको कहते ना कि गहरी इंजरी होती है जो डीप इंजरी होती है अंदर तक होती है ऐसी कुछ नहीं हुई अब बस ऊपर से कुछ ऊपर से जैसे स्किन लेवल पर जो है ना वो कुछ इंजरी आई तो ऐसी इंजरी को आप सुपरफिशियल इंजरी कह सकते हैं इसी तरह से जैसे कोई घर है कोई है और जैसे फ्लड आया या कोई स्टॉर्म आया तो वो जो डैमेज हुआ वो जस्ट घर के ऊपरी सतह पर हुआ कोई सीरियस किस्म का डैमेज नहीं हुआ उसको तो सुपरफिशियल डैमेज कहलाएगा आई होप कि आपको इसके चारों मतलब समझ में आगे लेसे एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज ए सुपरफिशियल जर्नलिस्ट विथ नो इंटेलैक्ट एट ऑल कि कोई जर्नलिस्ट है और उसको जो चीजों का नॉलेज है ना वो बहुत ही सतही लेवल पर है उसके अंदर कोई क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं इनको बहुत ज्यादा करंट uh, अफेयर्स के जितने भी मामलात होते हैं उनकी बहुत इनडेप्थ नॉलेज होना इन, इनके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी होता है अगर किसी जर्नलिस्ट को किसी मामले पर किसी मुद्दे पर इनडेप्थ नॉलेज ही नहीं कोई इंटलेक्ट उसका लेवल नहीं है बस ऊपर ऊपर से वो बस चीखना चलाना जानता है तो वो एक सुपरफिशियल जर्नलिस्ट है ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्टर्स एम्पति फॉर पुअर इज़ सुपरफिशियल ही ओनली वान्स पब्लिसिटी कि एक्टर की जो एम्पति है ना कि वो लोगों के लिए वो एक शो कर रहा है गरीब लोगों के लिए कि मुझे बहुत इनसे हमदर्दी है मेरे अंदर बहुत मैं समझ सकता हूँ इनकी तकलीफों को मैं इनकी तकलीफों को दूर करना चाहता हूँ एक्टर जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है वो सुपरफिशियल एक्टिविटीज़ हैं जो वो एम्पत्ति शो कर रहा है वह सुपरफिशियल है सतही लेवल पर बिकॉज़ कि इंटरनली वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है कि बस मीडिया आए और मुझे मीडिया कवरेज मिले ठीक है और थर्ड एग्जाम्पूर्म दिस सुपरफिशियल रिसर्च विल नॉट बी गेट अप्रूव्ड कि ये जो ऊपरी ऊपरी रिस, रिसर्च हुई है ना जिसमें कि इन डेप्थ रिसर्च नहीं हुई है तो ये ये रिसर्च जो है वो अप्रूव नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको सबमिट कर जैसे थी वगैरह को सबमिट करवाया जाता है तो वो नहीं एक, अप्रूव होगी अफ फोर्थ एक्साम्पल इज ए घोट सुपरफिशियल इंजरीज नथिंग सीरियस कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ आप कह सकते हैं कि उसकी जो इंजरीज हैं वो सुपरफिशियल हैं कोई सीरियस कोई परेशानी वाली बात नहीं कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई कि कोई गहरी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से कोई परेशानी वाली बात हो नहीं सुपरफिशियल इंजरीज है मतलब कि ऊपर ऊपर से हुई है स्किन लेवल पर हुई हैं जो कि ठीक हो जाएंगे ओके okay, जी यहाँ पे लेसन खत्म होता आई होप के लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था आपको अच्छा लगा डो लेट मीन एन कॉमेंट सेक्शन एस यू नक्सन हाफिज